सो है गाइज, कैसे हैं आप? सो उम्मीद करते हैं से आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप जो हमारे स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं, इस तरह का फोटो एडिटिंग करना बहुत ही आसान है। आप खुद की मोबाइल फोन से कोशिश करने में कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा सब फेस को कैसे सुन कर सकते हैं, फेस पे चमक कैसे ला सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, फोटो पे पहले कुछ इस टाइप से था और इस फोटो को मैंने इस तरह से कुछ सेकंड में एडिट किया है। जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बिना टाइम में इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गैलरी में आना है। गैलरी में आने के बाद दोस्तों, इस बैकग्राउंड को ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में शेयर करना है। ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में शेयर करने के लिए शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है। शेयर वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा। आपको यहाँ पे ऑटोडेस्क एप्लीकेशन का लोगो दिख रहा है, इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल रखा है। अगर आप लोग पास ऑटोडेस्क एप्लीकेशन नहीं है, ऑटोडेस्क एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहां से सर्च कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मैंने ऑटोडेस्क एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लिया है। बैकग्राउंड इंपोर्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा। दोस्तों, आपको जो है मिल जाएगा एक ऑप्शन, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको जो है मिल जाएगा इंपोर्ट इमेज, ठीक है। आपको इंपोर्ट इमेज पे क्लिक करना है और इंपोर्ट इमेज पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक गैलरी में लेकर चला जाएगा। तो दोस्तों, गैलरी में आने के बाद जिस भी फोटो को आप एडिट करना चाहते हैं, उस फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेना। तो दोस्तों, मैंने इस फोटो को ऐड कर लिया। इस फोटो को जूम आउट करना है कुछ इस टाइप से, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ। जूम आउट करने के बाद इसको यहाँ पे अच्छा एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों, आपको जो है मिल जाएगा साइन की मार, आपको साइन वाले मार पे क्लिक करके डन कर लेना है। तो जैसा कि देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे फोटो को एडजस्ट कर लिया है। मैंने फोटो अभी इंपोर्ट किया। इस फोटो का बैकग्राउंड मैंने पहले ऑलरेडी रिमूव कर रखा है। रिमूव करने के बाद दोस्तों, मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। और आप लोग को बैकग्राउंड को नहीं आता है तो मैंने वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर सीख लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद दोस्तों, फेस को स्मूथ करना है। स्मूथ करने के लिए आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिए, आपको कुछ इस तरह इंटरफेस दिख जाएगा। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों, आपको जो है मिल जाएगा स्मूथ। आपको स्मूथ में आना है और ये फर्स्ट में मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद सेटिंग में आना है और देख लीजिए साइज कितना रखना है, और यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद फोटो को जूम आउट करना है कुछ इस टाइप से, और इसको फेस को आपको फेस पे इस तरह से सिलेक्ट करना है ताकि आपको फेस स्मूथ हो सके। तो मैं इसको आराम से करूंगा। आप लोग जितना आराम से आप कीजिएगा, आपको उतना अच्छा सा फोटो यहाँ पे एडिट होगा। तो मैं फेस को यहाँ पे स्मूथ कर रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फिर पूरी बॉडी पर आपको फेस को स्मूथ कर लेना है, ठीक है। तो मैं पूरी बॉडी पर फेस को स्मूथ कर लेता हूँ। आप लोग आराम से वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं आपको एक ही चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो दोस्तों, फेस को स्मूथ करने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, आप फेस पे चमक लाना है। चमक लाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शन दिख जाएगा आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको लाइब्रेरी में आना है और इस तरह से नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर बहुत सारा टूल दिख रहा है, ठीक है। तो आपको ये मिल जाएगा ट्रेडिशनल और आपको मिल जाएगा ये कलर, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, ये ऑप्शन पे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, एक प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, एक एम्प्टी लेयर बनाना है। उसके बाद आपको एम्प्टी लेयर पे क्लिक कर देना है और यहाँ से ब्लेंडिंग का जो ऑप्शन मिल जाएगा, ये ब्लेंडिंग आपको इस पर क्लिक करना है। नॉर्मल दिखा है, नॉर्मल पे क्लिक करना है और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके आपको सॉफ्ट लेफ्ट कर देना है, ऐसे कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों, कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस कलर का रखना है इतना पे, और R00 पर रखना है और यहाँ से कट कर देना है। और फोटो को जूम आउट करना है कुछ इस टाइप से, और इस तरह से आपको ये देखिए, इस तरह से आपको फेस पे इस तरह से लाइनिंग करना है। तो आपका फेस पर ऑटोमेटिक कलर इफेक्ट का चमक आ जाएगा, जैसे कि मैंने कर लिया है। अब इसको ज़्यादा यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ज़्यादा दिख रहा है। तो आपको इस पर क्लिक करना है और आपको इसी पे क्लिक करना है और ये मिल जाएगा ऊपर सिटी। इसको कम करके देखना है, देखिए ये देखिए इतना अनुसार से कितना मैं रखूँगा से बेस्ट होगा, तो इतना पर रखिए आपको बेस्ट होगा। यहाँ से कट करना है। कट करने के बाद दोस्तों, आपको पूरी फेस पे आपको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। तो जैसा कि मैं अभी एडजस्ट कर रहा हूँ, देखिए फेस पे कितना अच्छा से चमक आ रहा है। तो मैं वीडियो थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहें, बहुत कुछ बताने वाला हूँ। अभी लाइटरूम एप्लीकेशन ले जाऊँगा, फेस को अच्छी कलर एडजस्टमेंट करूँगा। तो दोस्तों, इतना करने के बाद दोस्तों, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद दोस्तों, इस पर भी क्लिक करना है और यहाँ से ऑल मर्ज कर देना है। ये टोटल में मर्ज हो जाएगा। मर्ज होने के बाद दोस्तों, इस फोटो को शेयर करना है लाइटरूम एप्लीकेशन में। लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है।
इसे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह इंटरफेस दिख जाएगा। आपको जो मिल जाएगा शेयर का आइकन, आपको शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना, शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना तो कुछ इस तरह इंटरफेस दिख जाएगा। आपको मिल जाएगा अदर, आपको अदर पे क्लिक करना है। अदर पे क्लिक करने के बाद बोलेगा प्लीज वेट, आपको कुछ देर रुक लेना है। और रुकने के बाद दोस्तों एक पॉपअप आएगा, वहां पे बहुत सारे एप्लीकेशन का लोगो दिख रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां लाइटरूम एप्लीकेशन का लोगो आ गया है, तो मैंने ऑलरेडी यहां इंस्टॉल रखा था, लाइटरूम एप्लीकेशन का लोगो आया। तो मैंने, अगर आप लोग लाइटरूम एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से अगर डाउनलोड कर लीजिए, आप प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। तो मैं लाइटरूम एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा, फोटो ऑटोमेटिक लाइटरूम एप्लीकेशन में ऐड हो जाएगा। तो गाइस लाइटरूम एप्लीकेशन में फोटो ऐड हो चुका है, तो मैं लाइटरूम एप्लीकेशन को यहां से ओपन करूंगा। तो मैंने यहां लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, थोड़ा प्रोसेस हो रहा है। लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपको ऑल फोटोज पे क्लिक करना है। तो दोस्तों आपको फोटो पे क्लिक करना है, फोटो पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह इंटरफेस दिख जाएगा। तो दोस्तों नीचे बहुत सा आपको टूल दिख रहा है, स्टोर का स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ मिल जाएगा एक लाइट का ऑप्शन, लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नीचे मिल जाएगा ब्लैक, आपको ब्लैक को एकदम कम करना है। जैसे कि देखिए ब्लैक करते ही आपको कितना अच्छा इफेक्ट आ चुका है। उसके बाद आपको कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा मिक्स का ऑप्शन, आपको मिक्स पे क्लिक करना है। मिक्स पे क्लिक करने के बाद रेड को थोड़ा बढ़ा लेना है, सेकंड कलर पे क्लिक करना है, तो सैचुरेशन को माइनस करना है, लुमिनस को बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से डन कर लेना है। डन करने के बाद दोस्तों बगल में मिल जाएगा इफेक्ट, आपको इफेक्ट पे क्लिक करना है। इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद क्लैरिटी को बढ़ाना है और विंटेज को थोड़ा कम कर लेना है। उसका बगल में मिल जाएगा डिटेल, आपको डिटेल पे क्लिक करना है। डिटेल पे क्लिक करने के बाद शार्पनिंग को बढ़ाना है। उसके नीचे आना है नॉइज रेडिएशन, इसको भी आपको बढ़ा लेना है। उसके नीचे आना है कलर नॉइज रेडिएशन, इसको भी आपको बढ़ा लेना है थोड़ा सा। और नीचे आना है डिटेल या स्मूथ को, दोनों को 100 कर लेना है, जैसे कि मैं अभी कर ले रहा हूँ। तो दोस्तों करने के बाद जैसा कि देख सकते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में फोटो यहाँ पे एडिट हो चुका है, पहले कैसा था ऑटोडेस्क में, और लाइटरूम में आपको कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। तो इस फोटो को सेव करने के लिए आपको जो है मिल जाएगा शेयर का आइकन, आपको सेव वाले आइकन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मिल जाएगा सेव टू डिवाइस, आपको इस पे क्लिक करके फोटो कर लेना सेव। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो पसंद है, अगर वीडियो पसंद को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लव यू, टेक केयर, ओके, बाय बाय।